जी वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर नसीर लाइव 360। एज यू नो आई ऑलवेज टेक यू ऑन द डिफरेंट लोकेशंस ड्यूरिंग द वीकेंड स्पेशली। सो टुडे आई एम गोइंग टू द जर्विस बे। जर्विस बे इज वन ऑफ द लाइक अ ब्यूटिफुल बीच इन द वर्ल्ड एंड इट हैज़ द वर्ल्ड वाइटेस्ट सैंड बीच। सो लेट्स स्टार्ट नाउ एंड इट्स अबाउट लाइक 3.5 hour ड्राइव फ्रॉम सिडनी। सो आई एम स्टार्टिंग नाउ एंड यू विल बी विद मी अलॉन्ग द वे एंड यू विल सी दिस व्लॉग विल गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटिफुल टूडे। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माई वीडियोज। थैंक यू सो मच। तीन घंटे की ड्राइव के बाद सिडनी से हम जर्विस बे पे पहुंच चुके हैं। और जर्विस बे पे ये जो जगह है इसका नाम है, स्पेसिफिकली इस लोकेशन का नाम है हेमस बीच। तो अभी बीच पे नीचे की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं ये बारबेक्यू कर रहे हैं और रेस्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक जो जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा लाइक बैकग्राउंड पे कोई ट्रीज़ वगैरह हो, थोड़ा सा आया हो ताकि बैठने में, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी कि वो जो है ना बैठ नहीं सकते, इतनी तेज़ धूप थी। तो वहाँ पे जगह ढूंढ के अभी कहीं इसी जगह पे बैठते हैं और फिर उसके बाद जो है इंट्रोडक्शन भी बनाते हैं वीडियो और बाकी चीज़ें आपको साथ साथ दिखाते रहते हैं और वीडियो को देखते रहें। जी आप सबका वेलकम हो रहा है जर्विस बे के ऊपर। जर्विस बे जैसा कि मैंने बताया था कि दुनिया की सबसे वाइट सैंड वाला बीच है। ये देख रहे हैं आप कितनी वाइट रेत है और बाकी हम आगे जाके दिखाते हैं आपको बीच। जी मैं अब ये 360 में आपको लेके जा रहा हूँ, 360 व्यू में। और 360 वीडियो आप देख रहे हैं बीच की, मैं ये चीज़ें लेके मुझे जो है अभी वहाँ पे चीज़ें चाहिए साथ साथ। तो लेट्स सी अब बीच के साथ कैसी मैंने इसका लेंस अभी साफ करना है 360 का। तो अभी देख रहे हैं आप सब, हर तरफ लोग ही लोग हैं। और
तो अभी मैं आपको बीच की तरफ लेके जा रहा हूँ, और जैसा कि मैंने बताया था कि ये दुनिया का सबसे वाइट सैंड वाला बीच है। तो ये देख रहे हैं आप कितनी वाइट है सैंड यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप देखें यहाँ पे वो दूसरी तरफ, पता नहीं वो क्या पहाड़ है जो नज़र आ रहा है दूसरी तरफ है वो, लेकिन जो है ना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस बीच की जो ब्यूटी है वो दिखाई जाए। लोग अभी रिलैक्स कर रहे हैं, मैंने अपना सामान पीछे रख लिया है, पानी के करीब जा रहा हूँ, लेकिन पानी के करीब ज़्यादा नहीं जा सकता क्योंकि माइक पर पानी जा सकता है। वेलकम ऑन माई YouTube चैनल। अभी आपको जैसे पता है कि मैं आपको हर वीकेंड डिफरेंट जगह पे लेके जाता हूँ, आज मैं जिस जगह पे आपको लेके आया हूँ, इस बीच का नाम है हेमन बीच, जो कि जर्विस बे के अंदर है। जर्विस बे लाइक न्यू साउथ वेल्स के अंदर एक जगह है जहाँ पे ये बीच है, और ये जो बीच है ये दुनिया का जो खूबसूरत तरीन बीच है उनमें से ये एक बीच, ये वाला बीच है। और बाकी जो है मैं इसको अभी साथ में वीडियो बना रहा हूँ, इसको देखता हूँ और साथ साथ आपको दिखाते हैं कि कैसा है। जी माइक टेस्ट का माइक टेस्ट, तो अभी हमने चेंज कर लिया मैंने, तो मैं अभी पानी के अंदर जाने का प्लान कर रहा हूँ, लेट्स सी। सो ये जर्विस बे पे दोबारा मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि जो पहले जो मैंने रिकॉर्ड किया है वो माइक ने रिकॉर्ड किया ही नहीं है। ये जो देखें, अब दोबारा मुझे जो है बीच पर दोबारा जाऊँगा, मैंने चेंज कर लिया शॉर्ट्स, जिसके ज़रिए मैं अभी पानी के अंदर मेरा जाने का थोड़ा सा प्लान है। तो ये भी अपनी अम्ब्रेला बंद कर रहे हैं, शाम होती जा रही है, लोग शायद अभी थोड़ा थोड़ा यहाँ से मूव करना शुरू हो जाएंगे, लेकिन मुझे पता है शाम के टाइम भी यहाँ पे जो है वो बीच बहुत वाइट नज़र आता है, इतना डार्क यहाँ पर नज़र आता नहीं है। तो जी साथ में मैं अभी मोबाइल मैंने फ़िक्स कर दिया एक जगह पर, और यहाँ पर सामने खड़ा हो गए, तो घड़ी से अपनी स्क्रीन को वॉच भी कर रहा हूँ ताकि जो मुझे व्यू पॉइंटर जो है वो साथ में नज़र आता रहे। और जैसा कि पहले मैं बता रहा था कि ये बीच जो है जर्विस बे वाला जो बीच है ये दुनिया के खूबसूरत तरीन बीचों में से एक बीच है, और इस बीच की खासियत ये है कि यहाँ पे जो सैंड है ये दुनिया की सबसे वाइट सैंड वाला बीच है, तो इससे जो है ये काफ़ी अच्छी यहाँ पे और लगता है यहाँ पर आके, क्योंकि पानी बिल्कुल ब्लू कलर का होता है और जो रेत जो है वो बिल्कुल सफ़ेद होती है। तो बाकी यहाँ पे आके काफ़ी मज़ा आ रहा है, स्पेशली जो है ऑन क्रिसमस के ऊपर बीच है, इससे ज़्यादा वाइट कहीं पर सैंड नहीं पाई जाती। जैसा कि अभी आपको मैं दिखा भी सकता हूँ कैमरा के अंदर कि ये सैंड देखें सारी, ये बिल्कुल वाइट है, ठीक है, जैसे वाइट होता है कलर, तो ऐसी है ये। बाकी मैं अभी ये उतार के थोड़ा माइक, तो फिर जो है हरकतें कर सकता हूँ इधर उधर की, क्योंकि पानी चला गया ना माइक के अंदर तो फिर माइक ख़राब हो जाएगा। तो ये देखें पानी पीछे कितना नीला और ग्रीन दोनों कलर का कॉम्बिनेशन है, तो इस तरह जो है ना ये बहुत अच्छा लगता है। वो दूसरी साइड जो है पता नहीं वो कौन सी साइड है, लेकिन मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन वो साइड भी काफ़ी ज़्यादा वो ब्यूटीफुल है, वहाँ पर शायद लाइट हाउस नज़र आ रहा है, कुछ ऐसा ही है। तो बाकी आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि ऐसी जगह पर मैं आपको लेके जाता रहूँ, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आपको ऐसी एक्साइटिंग वीडियो और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं उनकी और वीडियोस आपको इसी तरह की देखने को मिलती रहें। थैंक यू सो मच। ये आपको चीज़ दिखाने लगा हूँ कि जब आप बीच पे जाते हैं तो इस तरह का बैग यहाँ से मिलता है, तो इसके अंदर आप बर्फ़ डाल के लें और साथ में ड्रिंक अपने लिए रखें,
तो ये ड्रिंक रखे हुए हैं साथ में और बर्फ़ डाली थी, तो अभी हमने निकाले हैं तो ये अभी भी ठंडे हैं, तो अभी इसको यानी कि अब यूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ी एक हैंडी चीज़ है, बजाय कि बड़ी वो आइस वाला बॉक्स लेने की बजाय ये छोटे वाला ईजी रहता है, तो बस ये चीज़। अभी जो है सिडनी से वापस, उससे क्या कहते हैं, जर्विस बे से वापस जा रहे हैं, जर्विस बे हेमन बीच से। तो ये दोनों तरफ की रिकॉर्डिंग हो रही है, इसमें आप देखें कि ये जो है दूसरी तरफ जो है आपको दूसरी रोड का व्यू भी आ रहा है और सामने से कैमरे, फ्रंट कैमरे से मैं अपनी वीडियो भी बना पा रहा हूँ। तो ये मैंने ऐप एक बाय की है, फिल्मोरा प्रो, फिल्मोरा 12, तो उसमें ऑप्शन है ये आईफोन के अंदर आप स्प्लिट स्क्रीन से वीडियो बना सकते हैं दोनों साइड की। नॉर्मल जो वो कैमरा एंड्रॉयड के अंदर, आई थिंक मैंने नोट यूज़ किया पहले, नोट 20, उसमें ये ऑप्शन था, लेकिन जो है आईफोन के अंदर ये चीज़ नहीं थी। तो अभी इस फंक्शन को यूज़ करते हुए मैं आईफोन से भी अब ड्यूअल व्यू के अंदर, इसे डिफरेंट ऑप्शन देता है कि आप छोटी स्क्रीन कर सकते हैं, बड़ी स्क्रीन कर सकते हैं, तो मैं इसलिए बड़ी स्क्रीन में हाफ अप स्प्लिट किया हुआ है, सो दैट कि आपको व्यू जो है ये ज़्यादा अच्छा नज़र आए। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको रोड का व्यू भी और इन्वायरमेंट भी साथ में नज़र आ रहा होता है, और जो बंदा बात कर रहा होता है तो वो भी आपको क्लियरली सुनाई दे रहा होता है, तो ये इसमें बहुत अच्छा फंक्शन है। तो बाकी जो है आप रास्ते को साथ साथ इंजॉय करते जाएँ, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। और ये देखिए मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, ये शर्ट भी मेरी जर्विस बे पे लास्ट 1-2 साल पहले मैं गया था, तो वहाँ पे ये मैंने पिक्चर ली थी, उसी को मैंने प्रिंट किया हुआ था शर्ट के ऊपर। तो आगे देखें, ये आगे बहुत ही प्यारा सीन आने वाला है, आई थिंक ये क्यामा के पास अभी हम पहुँचने वाले हैं। तो ये क्यामा के पास क्यामा है या आई थिंक सो क्यामा ही आने वाला है, तो बहुत प्यारा सीन है आगे देखने को। आप शायद जो मैं आंखों से व्यू कर सकते हैं, शायद आपको कैमरे की आंख से इतना अच्छा नज़र ना आए, बट स्टिल मैं कोशिश करता हूं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊं कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये कितना खूबसूरत कंट्री है। और ये देखिए सामने, लाइक ये ऐसे सीन जो होते हैं आपको मूवीज़ के अंदर, लाइक स्पेशली जो मूवीज़ होती है जिसमें सॉन्ग वगैरह, वीडियो सॉन्ग की रिकॉर्डिंग हो रही होती है, वो ऐसी लोकेशन पर की जाती है। तो ये बहुत ही यानी कि अमेजिंग किस्म की लोकेशन है और बहुत मज़ा आता है, रोड ड्राइव बड़ी अच्छी है, ठीक है, और कोई इशू नहीं है सच। तो